हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू लर्न विद डेट्स में आपका स्वागत है। इस तारीख है 11 सितंबर और 11 सितंबर से संबंधित जितनी वैसी घटनाएं हैं जो हमें इस लेक्चर में याद करनी होंगी, तो हम इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है मोहित सेतिया। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल अकाउंट है मोहित सेतिया ऑफिशियल के नाम से, इंस्टाग्राम है, फेसबुक अकाउंट है, तो आप किसी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर सजेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक भी पे आप मैसेज भेज सकते हैं। तो बात करते हैं पहली न्यूज़ की, आज की जो स्पेशल चीज़ है। आज के दिन ही 9/11 अटैक हुआ था सितंबर 2011 के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर 2011 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, और ये लगातार हुआ क्या था कि चार जहाज थे हमारे, वो हाईजेक कर ले गए थे लगभग 19 आतंकवादियों के द्वारा। और उन्होंने क्या किया था, जितने भी चारों जहाज को क्रैश करवाया था यूएसए की बिल्डिंग्स के ऊपर। अगर हम बात करें ये अलकायदा के द्वारा, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, आपके अलकायदा ग्रुप के मेंबर थे आतंकवादी थे जिन्होंने किया था 11 सितंबर 2001 में, मंगलवार का दिन था वो। और जो पे है उसमें से जो दो जहाज थे जिसमें नॉर्थ और साउथ वेस्ट टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उसमें क्रैश करवाया गया दो जहाज। तीसरा जहाज था वो पेंटागन था जो कि हेडक्वार्टर था डिफेंस डिपार्टमेंट का, वहाँ पर। चौथे जहाज की सीधी कोशिश थी वाशिंगटन डीसी पे क्रैश कराया जाए, बट जो पैसेंजर थे उस हिम्मत ने उनको नाकाम कर दिया आतंकवादियों को, वो जहाज रनवे पे या किसी फील्ड के अंदर ही क्रैश कराया गया पेनिसिलिनिया के अंदर। तो ये थी 9/11 और काफ़ी बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें लगभग 3000 के करीब लोग मरे थे, इंजरीज काफ़ी हुई थी, और वो जो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी और विद इन 35 से 40 मिनट के अंदर बिल्डिंग वो नीचे धसा हो गई थी। आज के दिन विनोदा भावे जो कि उस समय के हमारे, अगर भारत की आज़ादी से पहले की बात की, उस समय के हमारे ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट भी थे, और बेसिकली इनको भूटान मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। भूटान मूवमेंट उस समय पर एक आंदोलन चलाया था विनोबा भावे के द्वारा, उस समय पर जो भी जमीन सरकार के द्वारा दी जा रही थी वो कानून तरीके से दी जा रही थी, लेकिन विनोबा भावे चाह रहे थे कि उस ज़मीन को इस आंदोलन की भावना से लिया जाए। उनको काफ़ी सफलता मिली थी, काफ़ी सारी ज़मीन उनको सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी। इनका जन्म हुआ था आज के दिन ही 11 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ था, और 15 नवंबर 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। और बेसिकली गीता को ट्रांसलेट किया था मराठी लैंग्वेज के अंदर, वो भी विनोबा भावे जी का द्वारा किया गीता को, जो मराठी भावा में कहते हैं। आज के दिन ही लाला अमरनाथ जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका जन्म होता है 11 सितंबर 1911 के अंदर। लाला अमरनाथ हमारे भारत के सर आज़ाद होने से पहले कैप्टन रहे हैं, और इन्होंने पहली सेंचुरी बनाई थी जो टेस्ट सीरीज के अंदर, पहली सेंचुरी बनाने वाले हमारे खिलाड़ी थे। और इवन जो कैप्टनशिप भी इन्होंने पहली बार इन्होंने कैप्टनशिप की थी भारत की तरफ से टेस्ट इंडिया टेस्ट के अंदर, जो हमारा 1952 में टेस्ट मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें जो कैप्टन थे वही थे लाला अमरनाथ। पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था 1991 में। आज के दिन ही मोहम्मद अली जिन्ना जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं और लीडर रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1948 के अंदर, जो उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1876 उनका जन्म हुआ था। और वो लीडर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1913 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद वो पाकिस्तान के वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो गाइस ये थी आज कुछ घटनाएं। आई होप इस सीरीज को आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।